दिल्ली पुलिस गुना के एक व्यापारी के घर पहुंची, जहां व्यापारी मयंक जैन और मंजू जैन को गिरफ्तार किया जाना था। इस मामले में काफी देर तक छींटाकशी चलती रही। वहीं दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि मंजू जैन, विनोद जैन और मयंक जैन ने दिल्ली के एक व्यापारी तरुण अग्रवाल के साथ धोखाधड़ी कर 3 करोड़ से ज्यादा का पैसा हड़प लिया है, जिसके चलते दिल्ली की करोलबाग थाना कोतवाली में मामला भी दर्ज है। आपको बता दें कि दिल्ली में रहने वाले तरुण अग्रवाल ने अपने एक प्रतिनिधि को गुना भेजा था, जहां विनोद जैन, मयंक जैन और मंजू जैन को गिरफ्तार किया जाना था। वहीं प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मंजू जैन और मयंक जैन ने फैक्ट्री घर और बदरवास में स्थित इनकी जमीन के एवज में दिलीप अग्रवाल से पैसा लिया है। इसके साथ ही 47 लाख में एक मकान का सौदा भी हुआ था। वहीं 1 करोड़ रुपए का माल बेचने के लिए पैसा भी लिया गया था। कुल मिलाकर 3 करोड़ से ऊपर का पैसा इन लोगों ने दिलीप अग्रवाल से लिया था। वहीं दिलीप अग्रवाल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया इस मकान के एवज में 37 लाख रुपए का चेक भी राधा वल्लभ ट्रेडर्स को दिया गया था। इसके विपरीत मंजू जैन का कहना है कि दिलीप अग्रवाल, जो कि दिल्ली के व्यवसायी हैं, उन्होंने फैक्ट्री में पार्टनरशिप करने का ऑफर दिया था, जिसके एवज में गारंटी स्वरूप उन्होंने राधा कॉलोनी स्थित मकान और शिवपुरी स्थित एक मकान को रखने की बात भी कही। वहीं मंजू जैन का यह भी आरोप है कि दिलीप अग्रवाल की कंपनी ने 3 जनवरी 2019 मकान की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करा ली एवं एक चेक 3 जनवरी 2018 का दिया। इस मामले में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि ये तो जांच का विषय है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि अगर दोनों ही पक्षों की माने तो अपनी अपनी जगह दोनों ही सही हैं और गलत भी हो सकते हैं। फैक्ट्री बेची, फैक्ट्री में लग गया था, हमको घाटा। ये लोग आए, इन्होंने बोला कि हम आप लोगों के, हम आपकी फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। तो मेरा ये वाला मकान और एक मेरी बहन का मकान शिवपुरी में है, तो मैं गिरवी रखा था। तो अब मैंने फैक्ट्री बेची, ना कि मैंने ये वाला मकान बेचा है कि शिवपुरी वाला मकान बेचा है। इन लोगों ने क्या काम किया कि मेरे बहन के मकान की तो इन्होंने क्या कहते गारंटी में लिखवा लिया, और मेरा मकान इन लोगों ने क्या कहते उसमें रखी करवा ली। अब मेरे पति तो सीधे हैं, उन्होंने रखी कर दी। मुझे पता चला, मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने इनसे बोला रखी, तो इन्होंने क्या काम किया कि हमें झूठा चेक दे दिया मकान की रखी का, कि इनका तारीख रखी हुई है 3/1/2019 में, और चेक दिया है इन्होंने 3/1/2018 का। उस चीज़ का विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है ये। और फिर ये हमारे ऊपर फ्रॉड लेके आ गए कि मकान हमारा है, मकान तुम्हारा कहाँ से है, तुमने चेक ही नहीं दिया। हमने लेके कोर्ट में केस कर दिया भाभी जी। तो हमने अपने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हमने 2 मकान इनको, एक तो गारंटी में, तो मैंने कहा ये मकान गारंटी में बैंक में रखा है तो गारंटी में ले लो। इन्होंने कहा गारंटी नहीं ले रहे, हम तो रखी कराएंगे। तो अपन पे थोड़ी सी विजन आ रही थी, हम गलत बोल नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने हमको चेक नहीं दिया और झूठ बोल के रखी करा ली। फिर ये हमारी बदरवास में जितनी भी जायदाद है उस पर भी नियत डालने लगे, उस पर भी कहने लगे कि हमें इसकी रखी चाहिए, इसकी रखी चाहिए, इसकी रखी। तो मुझे पता चला, मैंने इनको कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, बस ये वाली बात है और कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी फैक्ट्री है गोडाउन, ये मंजू गोयल और ये विनोद और मयंक, इन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री गोडाउन, फैक्ट्री घर और मकान अमोसा का मकान की लिमिट ले रखी थी बैंक की, जो इसका एनपी हो रहा था इनका अकाउंट, और वो अकाउंट दिल्ली के व्यापारी दीप अग्रवाल ने खरीदा। अच्छा। और उन्होंने उन्होंने फैक्ट्री सारी लिमिट टेक ओवर कर ली। एक्चुअल में फैक्ट्री ली थी तो टेक ओवर लिमिट टेक ओवर हो गई। उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि 37 लाख का जो चेक दिया था मकान की रजिस्ट्री के लिए वो बैंक में नहीं डाला, और कह दिया कि हमें 1 साल पुराना चेक मिला है, 1 साल पुरानी डेट का, जो कि हमारे पास उसकी कॉपी भी है, 2019 की ही है डेट। कितने पैसे का चेक था? 37 लाख का चेक मकान के बेटे, बाकी फैक्ट्री का है। उसके अलावा उन्होंने माल के लिए 1 करोड़ रुपया दीप अग्रवाल की दूसरी कंपनी है उसमें से इन्होंने चंपालाल विनोद कुमार में मंगाया, और 37 लाख रुपया जिंदल एग्रो इंटरनेशनल से, जिंदल एग्रो ग्रीन क्रॉप से मंगाया माल, माल बेचने के लिए। उन्हें वो माल सप्लाई किया आज तक, और आजकल आजकल घुमाते रहे। 2-3 करोड़ रुपए का गबन है। तो इसमें आज आपने क्या कार्रवाई करवाई है? हमने इसकी सारी कंप्लेंट थाने में, पुलिस थाने में, दिल्ली थाने में उन्होंने दे रखी थी दीप अग्रवाल जी ने। मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करने आया हूँ। और दिल्ली के कौन से थाने में?
दिल्ली के थाना है करोलबाग के सामने है, देशबंधु गुप्ता रोड था किसके, और कंप्लेंट करने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन चली, इन्वेस्टिगेशन में जो प्रूफ हो गया उनको लगा तो उन्होंने अरेस्ट वारंट लिए ऊपर से डीसीपी वगैरह सीपी साहब से, और अरेस्ट वारंट लेके यहाँ आए, यहाँ के आमदा कराया गुना पुलिस में आके पहले रवानगी के लिए उसके पकड़ने के लिए, और फिर उसकी वेट करी, जब ये कहीं बाहर गया हुआ था मयंक, अभी आया है तो उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, अब वो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। मयंक अभी घर पे है क्या? मयंक, मयंक की मदर और मयंक का फादर तीनों घर पे हैं। तीनों को लेके जाएंगे? नहीं, कंप्लेंट दो के नाम है, मंजू के नाम नहीं है, मंजू के नाम फैक्ट्री थी, फैक्ट्री उन्होंने नाम ट्रांसफर करा चुके। करीब फ्रॉड है ये 1.5 से 2 करोड़ का? 1.5 करोड़ रुपया तो बाद में माल के लिए लिख गया हुआ है, और उसके अलावा जो फैक्ट्री का फ्रॉड है वो अच्छे में। ये मकान भी आपका नाम ही है? मकान मेरे नाम नहीं है, दीप सबरू अग्रवाल के।